Question number 90, page number 10. Following is the balance sheet of ABC in 40%, 40%, 20%. हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? लायबिलिटी एबीसी दिया है, एसेट्स में उसका कुछ नाम लिखा है अपने क्वेश्चन में, और एसेट्स में कैश भी लिखा है, ठीक है? नीचे बोलता है द एसेट रियलाइज फॉलोस। देखो ध्यान दो, हमने क्या करे, ये सॉल्यूशन बनाए, सॉल्यूशन के अंदर पहले बनाए डेट का कॉलम, दूसरा बनाए पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम बनाए कैश का। ये तीन कॉलम कंपलसरी बनाने का, बाकी के जितने कॉलम है ये क्वेश्चन की लायबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। जितने लायबिलिटी उतने कॉलम, कैश के बाद के कॉलम, जितने लायबिलिटीज उतने कॉलम। तो क्वेश्चन में कितनी लायबिलिटी, ए बी सी और बिल पेबल, कितने लायबिलिटी है? चार। तो कॉलम कितने बने? एक दो तीन और चार बनाए क्या पुणे? एक बात। दूसरी बात यह है, ये जो बिल्स पेबल है ये आउटसाइडर है करके पहले कॉलम उसका बनेगा, और सबसे आखिर में किसका बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल का। तो पहले किसका कॉलम बनाएंगे? आउटसाइडर का। तीन कॉलम बनाने के बाद, डेट का, पर्टिकुलर का, कैश का कॉलम बनाने के बाद में पहले किसका कॉलम बनाएंगे? आउटसाइडर्स। फिलहाल में क्वेश्चन में एक ही आउटसाइडर्स है, वो है बिल पेबल, ठीक है? चलो 31 दिसंबर बैलेंस शीट दिया है, उसका नेक्स्ट डे 1 जनवरी 2008 बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। कैश बोलो कितना दिया है? 4000। बिल्स पेबल बोलो कितना दिया है? ए बोलो कितना दिया है? बी बोलो कितना दिया है? और सी बोलो कितना दिया है? तो मेरे पास में कैश कितनी है? 4000 रुपये, और देनी कितनी है? 30000। मेरे पास में 4000 रुपये कैश है, इस बच्चे को देना कितना? 30000 रुपये। 4000 है तो मैंने उसको पूरा 4000 दे दिया, 4000 थे वो पूरा 4000 दे दिया, तो मेरे पास कुछ ना बचा। पेड टू सर, पैसे कहीं को दे रहे? बेटर लिए ना, देना पड़ता वापस 4000 रुपये। चार थे, चार दिए, बचे कुछ नहीं करके नील। कितने बचे? नील, समझा? देना कितना? 30। दिए कितने? 4। कितने बचे? 26000 बच गए। समझा? कैश हुआ नील। अगर कैश हुआ नील तो फर्स्ट एडजस्टमेंट वो क्या बोलता है? द एसेट्स रियलाइज्ड मिला 15 जनवरी 20000। देखो कैश खत्म हुआ इसलिए हमने एसेट्स को बेच के पहले इंस्टॉलमेंट लिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना अमाउंट है इसका? 20000। अब की बार मेरे पास में 20000 है और देना कितना? 26। समझा? मेरे पास में कैश कितना है? 20000 और देना कितना है? 26। तो 20000 के 20000 मैंने दे दिया, जितना था उतना दे दिया, तो मेरे पास में कुछ ना बचा। पेड टू बिल्स बोल सर माइनस क्यों कर रहे? बेटा पैसे जा रहे करके 20 थे, 20 दे दिए, तो कितना बच गया? नील, समझा? 26000 रुपये देने थे, हमने कितना कैश दिए? 20000, और कितना रिमेनिंग है? 6000 इज रिमेनिंग, बट कैश फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये नील हुआ, क्योंकि सिंस अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नील हुआ, देन विल टेक सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट की डेट बोलो एनीबॉडी? 24th February 2008, this is our second installment.
Second installment is how much? 30,000 bucks. Apki bar, mere paas mein 30,000, I got 30,000 rupees and I have to pay how much? 6,000 rupees. Mere paas mein 30,000 rupees hai, mujhe kitna pay karna hai? 6,000. To 30,000 mein se, maine 6,000. थर्टी थाउजेंड में से मैंने कितना पे करा? 6,000 रुपीज पे करा, तो मेरे पास में कितना बच गया? 24,000. सी देखो, हम लोग अपने पास में 30,000 है ना, है ना, कैश अवेलेबल कितना अपने पास में? राइट नाउ वी गॉट 30,000 का कैश. और पे कितना करना है? 6,000. हमारे पास 30, हम 30 नहीं देके आएंगे, हमारे पास 30 है और पे कितना करना है? 6,000. पे 6,000. हमारे पास में कैश रिमाइंडर कितना है? 24,000. 6,000 पे करना था, हमने फुल टू 6,000 पे करे, तो उसको देना कितना बाकी है? नील शॉपिंग करने के लिए गए, शॉपिंग में ये लड़की को साड़ी पसंद आई 6,000 की, इसकी जेब में 30,000 रुपए थे, तो क्या ये 30,000 रुपए देके आएगा? कितना देगा? 6,000 रुपए. नॉनसेंस, 6,000 रुपए करेगा तो कितने बच जाएंगे उसके पास में? 24,000. उसको देना 6, उसको कितना दिए? 6. कुछ देना बाकी है क्या? नहीं. सिंपल कैलकुलेशन, इट्स लॉजिक मैन. गॉट डाउट्स? यस. गॉट डाउट्स? नो डाउट्स, एब्सोल्युटली डाउट्स. देन अब इसके बाद में किसका नंबर आएगा? पार्टनर्स का. पार्टनर्स का बोलो कितना आएगा? ए ए 24,000, बी 24,000, सी 8,000 रुपीज. किसी के डाउट से तो वी कैन बोल दो. नो डाउट्स? अब देन जब भी पार्टनर्स की बारी आती है, सी एफ, जब भी पार्टनर्स की बारी आती है तो हमको एक नया खाता ओपन करना पड़ता, विच इज व्हाट? स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल. सर ये ऐसा क्यों बनाते हैं बेबी? ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको ये देखना है कि तीनों में से सबसे ज्यादा पैसा किसने लगाया. ये मेथड ये बोलता है कि आपको 24,000 ना, आपके पास में 24,000 है, उसमें से ए को कितना देना है, बी को कितना देना है, सी को कितना देना है, तो वो डिसाइड करने के लिए हमने क्या बनाया? स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल. दिस इज पर्टिकुलर, देन ए, देन बी, गॉट सी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? देन हम लोग क्या करेंगे? राइट बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के हिसाब से, या एज पर, सॉरी, बैलेंस एज पर राइट स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट, दिस माय स्टेटमेंट, एंड एज पर स्टेटमेंट ए इज हाउ मच? 30,000. बी इज हाउ मच? 24,000. सी इज हाउ मच? 8,000. एक मिनट, एक मिनट, एक चीज मिसिंग हुई. या दैट्स राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट, यू आर राइट. यस 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 यस. हम कुछ भूल गए थे. मैं एक बार फिर से अपने शब्द वापस लेता हूं, अपने राइटिंग वापस लेता हूं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया? 24. देखो रेशो कितना बोला है, चल में 40% 20% एंड 40 40 20. इसकी उम्र बोला है 40 40 20. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा देखे तो चलता है, इट्स ओके. और इफ यू वांट टू कैंसिल, 0 0 कैंसिल करें, 2 1 2 2 2 2, तो रेशो क्या बन के आई? 2:2:1. ये भी लिखे तो चलेगा. ऑल इज वेल, यू नो ऑल इज वेल. या 2:2:1, या 40% 40% 40% बैलेंस एज पर बैलेंस शीट. अरे यार, एज पर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे बैलेंस होते हैं 30,000, बी होता है 24,000 और सी होता है 8,000. आउट से तो बोलो
एडाउट्स डॉन आउट्स। क्या देखो, हमें अभी तीनों कंपेयर करना है। हम कंपेयर करने जा रहे हैं, इसको दे रहा कितना 30,000 पर इसको कितना रेशियो है दो, बी को कितना देना 24,000 उसकी रेशियो कितनी है दो, सी को कितना पे करना है 8,000 और उसकी रेशियो है 1। तीनों इक्वल नहीं है किसी भी लिहाज से, तीनों इक्वल नहीं है। तो तीनों को इक्वल करने के लिए हम को उनकी रेशियो को उनकी अमाउंट से डिवाइड करना पड़ेगा। दिस 30,000 डिवाइड बाय 2 15,000, दिस 24,000 डिवाइड बाय 2 12,000, 8,000 ये मैं बोलूंगा डिवाइड 1 8,000 जाओ, समझा? सर ऐसा क्यों डिवाइड करे बेटा, देखो जरा ये 2:2:1 है ना, रेशियो इज नॉट इक्वल, इसलिए डिवाइड करें, समझा? क्यों डिवाइड करे, क्योंकि दोनों का तीनों का रेशियो इक्वल नहीं है। इसलिए हमने उसको डिवाइड करें। जो डिवाइड कर ही लिए है तो मुझे बोलो ये 15,000 रुपए, ये 12,000 रुपए, ये 8,000 रुपए सबसे लोअर कौन है? सी को बेस लेंगे अपन, इसको बेस लेंगे, जो लोअर होता है उसको बेस लेना पड़ता है। तो आओ बेस ले, क्यों बेस लेना पड़ता है? क्योंकि वो सबसे लोअर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय टेकिंग सीएस बेस, तो मुझे बोलेगा क्यों हमने सी को बेस लिए? एनीबडी, बिकॉज वो लोअर है। और लोअर कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऐसा देख के नहीं कि सी लोअर था, कभी कभी जैसा दिसतो तसा नसतो। इसलिए हम लोग को रेशियो में डिवाइड करके हमने देखे आंखों से कि तीनों में लोअर कौन है। तो हु वाज लोअर? सी वाज लोअर। तो देखो सी कितना था, 8,000 ना, या देखो ये 8,000 1 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है 8,000, मैं लिख कर देता हूं, ये 8,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है 16,000, मैं तुमको लिख कर देता हूं, 8,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होता है, मैं तुमको लिख कर देता हूं। ऐसे एग्जाम में मत लिखना, वरना एग्जाम में घर पे आएगा खुद। या जस्ट मोमेंट, यहां पर क्या लिखा है, माइनस लिखा दीदी, तो 30,000 माइनस 16,000 इज इक्वल टू 14,000, यप, 24,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 8,000, और यह आंसर मैं बोलूंगा, प्लीज कोशिश भी मैं करना, 8,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू नील, बोलो इसे कहते हैं टोटल सरप्लस, बोलो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सरप्लस, क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट सरप्लस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यस एनीबॉडी, किसी को डाउट से बोलो, समझा? अगेन वंस अगेन, एक बार फिर से कहो दिल से, ए बोलो कितना है, अब की बार 14,000, रेशियो बोलो कितनी है 2, बी बोलो कितना है 8,000, र से रेशियो बोलो कितनी है 2, 2 वन जा 2 फोर जा 2 वन जा 2 सात जा। आप मुझे बोलो कि ए और बी में कौन लोअर था, बी को बेस लेंगे। कब तक करना है ऐसा, जब तक सारे पार्टनर हट ना जाए, एक पार्टनर बच ना जाए। तो मतलब ये देखो तीन पार्टनर थे ना, या देखो तीन पार्टनर थे, तो कितने स्टेप आए, ये एक, ये दो बार आया, चार पार्टनर होते हैं तीन बार, पांच होंगे तो चार बार, ऐसे स्टेप, कब तक, जब तक एक बादशाह बचना जाए। न्याय लय लेस लेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय टेकिंग किसको टेकिंग, वाई टेकिंग बी लोअर है,
तो 4000 इनटू 2 क्यों 4000 को बार बार मल्टीप्लाई करे सर, क्योंकि 4000 लोअर है, बेस है. 4000 टू 2 तक क्यों बार बार तकलीफ दे रहे हो फोर्थ को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 4 लोअर है. क्या है बेटा? लोअर है. हो गए अप्लोच ना. 8 में से 8 माइनस करो, मैं बोलूंगा नील. 14 में से 8 माइनस करो 6000, तो आज का बादशाह कौन है? एक 6000 को हम लोग क्या बोलेंगे? नेट सरप्लस. समझा? सिंपल है सर. ये 8 8 8 क्यों लिए बेटा? 8 वाला सबसे लोअर था सर. ये 4 4 क्यों लिए? क्योंकि 4 वाला सबसे लोअर था. समझा? सिंपल है, एकदम सिंपल. क्या करेंगे? रेशो से डिवाइड करो जो लोअर है उसका आंसर निकालो, बेस ले लो उसको. फिर से अगेन वही स्टेप रिपीट करो जो फर्स्ट स्टेप में रिपीट करे, वही सेकंड स्टेप में रिपीट करो. कितना पे करना हमको? 6000 रुपीज. यहां देखो, लिख तो बाद में सकते हो लेकिन समझ कब सकते हो? अच्छी डाले के. कितना पे करना है? 6000. और देखो किसको पे करना है? बी को. नॉनसेंस. किसको पे करना अपने को? ए का. ए को पे करना 6000. बी तो, सी तो, किसको पे करना है? कितना पे करना है? कितना कैश है? कितना कैश है? कितना पे करना है? कितना पे करना है? कैश कितना है? दे सकते, दे सकते, दे दो. पे टू ए 6000 पे करे. किसको पे करे? ए को. ध्यान दो 24 थे, 6 दिए, 18 अपनी जेब में बच गया. ए को देना कितना? 30. कितना पे करे? 6. कितना बाकी है? 24000. समझा? यस यस. आप देखो ये हमेशा रखना, किसको बोलना मत गलती से भी. तू तो बोल मत क्या गलती हुई तेरे से. स्टेप नंबर 1 गिरा के नाम अपना. ये है स्टेप नंबर 2. समझा करू? ये है अपनी स्टेप नंबर 3. स्टेप 1 होते ही स्टेप नंबर 2 कर लो. स्टेप नंबर 2 होते ही अपना आंसर पूरा आ गया. समझो? स्टेप नंबर 3 ऑटोमेटिकली आता. क्या बोला मैंने? ये करेंगे नेट से प्लस स्टेप 1. बस उसके ही ऊपर क्या रहेगा? स्टेप 2 रहेगा. ठीक है? और ये दोनों कर लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा तुमको? स्टेप नंबर 3. समझा? तो हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट किए. कितना पे करे? 6000. अब हम लोग स्टेप नंबर 2 पे जा रहे हैं. स्टेप नंबर 2 ये रहा आपके सामने. ए कितना पे करना आपको? 8000. बी को कितना पे करना है बोलो? 8000. दोनों मिलाकर कितना पे करना है? 16000. ए कितना पे करना है? 8000. बी कितना पे करना है? 8000. सर 8000 कहां से है? यहां से. सर बी का 8000 कहां से है? यहां से. तो 16000 कहां से है? प्लस करके. 16000 पे करना है और कैश कितना है? 18000. कितना पे करना है? 16000. और कैश कितना है? 18000. क्या पे कर सकते हैं? कर दो ना फिर. हम यार देखो, पे टू ए एंड बी. ए का रेशो 2, बी का 2 2 1 2 1 मतलब रेशो क्या आई? 1:1. यार देखो, ये ए का 8000, बी का 8000 लिखवा कर दे रहा हूं, बाद में टेंशन न को आप लिखो. ये हो गई स्टेप नंबर 2 वाला. चेक करो, 18000 में से वी पेड 16000, रिमेनिंग कैश इज 2000. किसको पे करना है? ए को 8000, बी को कितना पे करना है? 8000. ए को 8000 एंड बी को 8000 एंड पुट ए डैश टू सी. समझा? तो देखो कितना होता है, 16000 16000 8000.
ऑटोमेटिकली देखो तुमको स्टेप नंबर थ्री मिल गया क्या, देखो जरा, देखो स्टेप नंबर थ्री आया, स्टेप नंबर थ्री नजर आया, सोलह सोलह आठ, सोलह सोलह आठ, डाउट से तो बोलो नहीं तो सम सॉल्व करें। इतना क्या शर्म रहा, देखो थोड़ी प्रपोज कर रहा मैं, क्या बोलो चलता देखो, अरे ऐसा बोल, यस यस, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इनका क्वेश्चन क्या है कि सर ये होता है, मैं बताऊंगा कब होता है, अब ये समझे आपको, अब ये डाइजेस्ट कर लो बिकॉज बाद में, बाद में देखो। इनका क्वेश्चन क्या है सर, 8000 जनरल क्वेश्चन है, 8 and 8 16 सर, अगर मान लो ऐसा अगर होता था या फिर 15,000 होता था, अब क्या कर रहे होते, तो जस्ट मोमेंट, ऐसा होता है, होता है, पर ऐसा अभी के नहीं हुआ, जब होगा तब आपकी समस्या सॉल्व करेंगे। 18,000 ठीक है, होगा ऐसा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, होगा, तो आप सवाल देता हूं, आपका जवाब देता हूं उसका, 15,000 है अपने पास में कैश और 16,000 रुपए, तो 15 पे करेंगे, बाकी 1,000 बाद में पे करेंगे। पीसमील चैप्टर नाम क्या है समझ जाने का, 15 पहले बाद में 1,000 रुपए, समझा, चिल्ला मत। तो ये 16 16 8 समझा कैसी बीतती, हाँ, तो कितना पे करना, अभी 2,000 रुपए। देखो अब की बार क्या होता, अब ये होगा कि पहले हम लोग क्या कर रहे, पहले एक को पैसा दिए, बी और सी को पैसा दिए, क्योंकि अब ये स्टेप नंबर थ्री हमारा मैच हो रहा करके अब रेशो यूज करेंगे, आफ्टर स्टेप थ्री यूज रेशो, दैट इज 2:2:1 समझा क्या, जैसा स्टेप थ्री मैच हो गया, यूज व्हाट, यूज रेशो, दैट इज 2:2:1 समझा, लिख के रखो, क्योंकि बिकॉज तुम लिख के रखोगे तुमको अड़चने आएगी, यू नो अड़चने, छोड़ दिया बेटे तुमको आज, है आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, पेट टू खामा खा बीच में बोला बेटा तुमने, पछताएगा अभी, पेट टू आई मीन टू से ऑल इन 2:2:1 दैट इज 2,000 रुपीज, नील 2,000 का रेशो 2:2:1 कितना होता है, लेट मी सॉल्व 8,000 2 by 5 2,000 2 by 5 2,000 1 by 5 800 800 400 ये रेशो आई, सर ये 5 का से है, सब समझा, 5 का से नहीं समझ में आ रहा, दो दो और दो और एक कितने होते बेटा, 5 करके 5 है, दिस इज 15,200 देन 15,200 एंड 7,600 रुपीज, ये अपना सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है नील, एनीबडी थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना होता है, डेट 31st March, एनीबडी कोई मुझे बोल सकता है कितना अमाउंट दूंगा उसका इंस्टॉलमेंट का, नहीं नहीं इंस्टॉलमेंट 18,000, हम लोग क्या करेंगे स्टेप थ्री कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में क्या यूज करेंगे ऑलवेज रेशो, नाउ रेशो इज हाउ मच, पेड टू ऑल इन 2:2:1 18,000, यस मैम, फोर थाउजेंड, एट थाउजेंड,
8000 ये अपनी फाइनल रेशो है, सॉरी फाइनल आंसर है, इसका कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, इसलिए इसी का आंसर को अपन क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन लॉस। कॉपी कर लो।